आज फूड्स एंड फ्लेवर्स में बन रही है एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रेसिपी, वो है मोमो की चटनी। और उसके साथ मैं बनाऊंगी कॉम्बिनेशन में पनीर के टेस्टी सॉफ्ट और यमी मोमोज़। तो आइए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। मोमोज़ बनाने के लिए हम सबसे पहले आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें हम करीब आधा टीस्पून नमक डालेंगे और इसमें डालेंगे पानी। तो पानी जो है रूम टेम्परेचर पे है और अब हम इसको गूंथ लेंगे। तो गूंथते समय ध्यान रखना है आटे को अच्छा हार्ड लगाएंगे। तो अगर आटा हार्ड होता है तो उससे क्या होता है, आप उसको पतला बेल पाएंगे और मोमोज जो हैं बहुत ही टेस्टी बनेंगे। ये देखिए मैंने आटा गूंथ लिया है और बहुत हार्ड गूंथा है। अगर आप बहुत सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे तो मोमोज को बेलने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब हम इस आटे को कवर करके रख देंगे और आइए तब तक फटाफट चटनी की तैयारी करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 1/4 कप के करीब। और इसमें हम डाल देंगे ये टमाटर, तो मैंने बस टमाटरों को आधा आधा काट लिया है। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ सूखी वाली लाल मिर्च। तो ये जो लाल मिर्च है बहुत स्पाइसी थी, मैंने इन मिर्चियों में से आधी मिर्चियों के बीजे निकाल दिए हैं। आप चाहें तो पूरी मिर्चियाँ रख सकते हैं। तो 20 या 25 के करीब आप मिर्ची डाल सकते हैं इसमें। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी। इनको कवर कर देंगे, गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पे रखना है और टमाटोज़ को हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। अब टमाटर को मैंने ऑलमोस्ट 10 मिनट तक पकाया है और ये देखिए अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। बस इतना ही पकाना है हमें। तो बस अब हम इसको ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसको पीसेंगे। तो जब तक ये टमाटर ठंडे हो रहे हैं, चलिए फटाफट हम मोमोज की स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ हरा प्याज। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। तो आप कलर वाला शिमला मिर्च भी डाल सकते हो या फिर इस तरह से हरा शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम एकदम बारीक कटी हुई अदरक करीब 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें डाल देंगे ये पनीर घिस के। तो आप चाहें तो पनीर को एकदम छोटा छोटा हाथ से काट के भी डाल सकते हैं या फिर आप मेरी तरह घिस भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करीब 150 ग्राम पनीर का यूज़ किया है और इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून भर के फ्रेश कुटी काली मिर्ची। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा बारीक करा हुआ धनिया। इसमें डालेंगे आधा टीस्पून के करीब डार्क सोया सॉस और अगर आपके पास लाइट वाला है तो 1 टीस्पून का यूज़ करें। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो मैंने स्टफिंग है वो पकाई नहीं है, सादी ही यूज़ की है। तो नॉर्मली मोमोज़ में स्टफिंग को पकाया नहीं जाता है, उसको इसी तरह से यूज़ कर लिया जाता है। तो हम इसमें एक और चीज़ डालेंगे, थोड़ा सा तेल एकदम, मतलब 1 टीस्पून के करीब, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम हाथ से इसको थोड़ा सा इस तरह से मसल लेंगे, इससे क्या होगा स्टफिंग भरने में बहुत ही आसानी रहेगी। और आपको यहाँ बहुत ध्यान रखना है, स्टफिंग तभी तैयार करनी है जब आप बिल्कुल मोमोज़ बनाने वाले हों। अगर आप स्टफिंग पहले से बना के रख दोगे तो इसमें जो हमने नमक डाला है उसकी वजह से स्टफिंग बहुत गीली हो जाएगी और मोमोज़ फिर ठीक नहीं बनेंगे। तो ये देखिए स्टफिंग बिल्कुल तैयार है, आइए फटाफट मोमोज़ बनाते हैं। और ये देखिए हमारा आटा भी बहुत अच्छे से सेट हो गया है, हम इसे निकाल लेंगे। तो इस आटे को हम एक बार फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए हमने कितना हार्ड आटा गूंथा था, तब भी आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है अब। और बस हम क्या करेंगे, इस रोल को हाथ से थोड़ा सा पतला कर लेंगे और इनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा एकसार कर लेंगे और इसको बस हमें पतला बेलना है। तो जितना पतला बेल पाएं उतना पतला बेलें। तो इसको साइड्स में ज़्यादा रोल करें आप। और अगर आपको रोल करने में इसको दिक्कत आ रही है, आप थोड़े से आटे या मैदे से इसको डस्ट कर लें। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जो मैदा है उसको आप थोड़ा सा हार्ड गूंथें, उससे क्या होगा कि आपको इसको बेलने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितना ट्रांसपेरेंट टाइप का बेला है मैंने इसको, इतना ही पतला बेलना है। और अब हम स्टफिंग लेंगे और इस तरह से बीच में डाल देंगे। साइड से स्टफिंग आप पूरी हटा दें, इससे क्या होगा मोमोज़ को बंद करने में आसानी रहेगी। और बस हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो बहुत सारे तरीके होते हैं पर ये तरीका बहुत ही ईजी है। तो हमें क्या करना है, जो आधा हिस्सा है इसको हम हाथ में पकड़ेंगे और इस तरह से बस प्लीट्स बनानी है हमें, ये देखिए। तो बहुत पतली पतली प्लीट्स नहीं बनानी है, थोड़ी मोटी मोटी सी प्लीट्स बनाएंगे हम। तो ये देखिए मैंने आधे से ज़्यादा प्लीट्स तैयार कर ली है इसकी। और ये जो बाकी बचा हिस्सा है हम इसको ले जा के इसके साथ चिपका देंगे। तो अच्छे से चिपका दें जिससे कि ये स्टीम होते समय खुलेगा नहीं। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है ये। और इसी तरह मैं सारे मोमोज़ तैयार कर लूँगी।
ये देखिए मैंने थोड़े से मोमोज तैयार कर लिए हैं और इनको मैंने कपड़े पे लगा दिया था, नहीं तो क्या होता है प्लेट पे ना चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको स्टीम कैसे करना है। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है और इसमें पानी भर लिया है और इसमें एक छन्नी लगा दी है छेद वाली, और अब इसको हम बहुत अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इडली स्टैंड में या फिर किसी भी तरह के स्टीमर में इसको स्टीम कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो प्लेट है उसको बहुत अच्छे से ग्रीस होना चाहिए, नहीं तो मोमोज इस प्लेट पे चिपक जाएंगे और फिर बाहर नहीं निकलेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम हाई पे रखा है और बस अब हम इस पे मोमोज लगा देंगे। तो इतने डो से आप करीब 12 से 13 मोमोज तैयार कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा मोमोज़ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि जब ये पकते हैं तो ये थोड़े से फूल जाते हैं, तो अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो ये आपस में चिपक जाएंगे। इनको हम कवर कर देंगे और कम से कम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टीम होने देंगे। तो जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं, चलिए फटाफट चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमारे टमाटर और मिर्ची दोनों एकदम ठंडे हो गए हैं, तो यहाँ पे मैंने टमाटरों का छिलका नहीं निकाला है क्योंकि एनीवे हम इसको पीस रहे हैं तो छिलका भी साथ में पिस जाएगा। और अब हम इनको पीस के इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इनको मैंने अच्छे से पीस लिया है और अब हम इनको कुक करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है और इसमें हम डाल देंगे तेल, तो जो भी तेल खाना पसंद करते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे बारीक किया हुआ लहसुन, तो करीब 1 टेबल स्पून बारीक किया हुआ लहसुन डाला है मैंने इसमें। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक करीब 1 टीस्पून। लहसुन और अदरक को हमें बहुत अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि मैंने तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तेल जो है प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो ये चटनी काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगी। ये देखिए लहसुन को मैंने अच्छे से भून लिया है, इसमें कलर भी आ गया है और इसमें बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें ये तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे, तो हम इसको थोड़ा सा चला देंगे और चटनी को हम थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होने तक पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी चटनी ने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑप्शनल है, आपका मन करे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि चटनी ऑलरेडी काफ़ी स्पाइसी है। इसमें हम डाल देंगे नमक, तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। इसके साथ ही इसमें डालेंगे आधी टीस्पून शक्कर और इसमें जाएगा आधी टीस्पून डार्क सोया सॉस। इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमें मिला देना है और बस हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है और हमारे मोमोज भी शायद तैयार हो गए हैं। चलिए इनको भी चेक कर लेते हैं हम एक बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये देखिए साइज़ में कितने बड़े बड़े हो गए हैं और ये बिल्कुल तैयार हैं। और आप देख रहे हो ये ना थोड़े ट्रांसपेरेंट दिखने लगते हैं जब ये तैयार हो जाते हैं। तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, इनको हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे और इसको फटाफट उसके बाद सर्व करेंगे। तो ये देखिए जब अच्छे से स्टीम हो जाते हैं तो इस तरह से आपको ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगेंगे, तो बिल्कुल तैयार है। बस इनको हम 1 मिनट ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। तो ये जो आज मैंने आपको मोमोज की चटनी बताई है, आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो फ्रिज में, ये काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा तेल का यूज़ होता है। तो आप ट्राई करिएगा और किसी भी आप कॉम्बिनेशन के मोमोज बना सकते हो उस चटनी के साथ, पर पनीर के मोमोज मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसके साथ यही बनाना पसंद करती हूँ। तो ट्राई करिएगा एंड आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।